नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी पार्ट टू पार्ट थ्री एग्जाम फॉर्म फिलअप रिसीविंग क्या आपके कॉलेज में जमा हो रहा है या नहीं। क्या आप अपने कॉलेज में रिसीविंग नहीं देंगे तो एडमिट कार्ड आएगा या नहीं, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और पूर्णिया यूनिवर्सिटी की पल पल की अपडेट के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन में ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। बार बार आप लोगों का WhatsApp, Telegram, कमेंट बॉक्स में मैसेज आ रहा है, सर ये बताइए मेरे कॉलेज में रिसीविंग जमा हो रहा है या नहीं। आपको बता दे, इस चीज का पता आपको खुद करना है अपने कॉलेज जाकर। अगर आपके कॉलेज में रिसीविंग जमा हो रहा है तो जमा दीजिए, नहीं हो रहा तो नहीं दीजिए। आपको ये भी बता दे, पूर्णिया यूनिवर्सिटी पार्ट थ्री और पार्ट टू एग्जाम फॉर्म का रिसीविंग जो है कुछ कॉलेज एक्सेप्ट कर रहा, कुछ कॉलेज अभी जो है जमा नहीं ले रहा। जो भी कॉलेज ले रहा है अलग से अपना स्टाफ रख कर रिसीविंग को ले रहा है, तो अपने कॉलेज जाकर ही इस चीज का आप मालूम करें। अगर आपका कॉलेज नहीं ले रहा है तो कोई दिक्कत और घबराने की बात नहीं है, आपका एडमिट कार्ड जो है आएगा। आपको ये भी चीज बता दे, अभी प्रेजेंट टाइम में इंटर का एग्जाम खत्म हुआ है, इसी वजह से कॉलेज में आप लोगों को जाने की अनुमति भी नहीं थी और कॉलेज का जो भी वर्क होता है सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक ही होता है। तो इतने बजे के आप बीच जाते हैं तो आपका रिसीविंग और जो भी आपका काम है एडमिशन से रिलेटेड होता है, अन्यथा नहीं होता। फिर 9 बजे के बाद एंट्री नहीं है कॉलेजों में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में।